आपने भी जो बोला लाहौर के बारे में करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे दो सरदार्स एंड हिंदूज वेर अबाउट 45 to 50% in Lahore, and but majority of businesses, hospitals were all run by Sardars and Hindus. So Hindus and Sardars on 15th August 1947 were 100% sure that Lahore will be part of India. And many people here who are young won't know that the Radcliffe Award was not to be disclosed. So people जो trap हुए Lahore में, they did not know where Lahore will fall. बट मैं इसमें हर वक्त सोचता था कि इसने लाहौर का पार्टीशन क्यों नहीं किया जैसे बर्लिन का किया था, आधा हिंदू. देन खुशवंत, इसका क्या नाम, कुलदीप नायर हैड अ इंटरव्यू विद रैडक्लिफ इन लेट 70s. ही सेड लीगली आई वाज सपोज्ड टू गिव लाहौर टू इंडिया, बट आई थॉट आपको पता होगा क्या बोल रहा है, लेकिन उसने ये बोला कि पाकिस्तान वुड नॉट हैव एनी सिटी. जो कराची था उसमें 1-2 लाख रुपए लोग रहते थे, रावलपिंडी वाज अ गांव. बोलता है इनके पास कोई भी सिटी नहीं होती, आई वाज फोर्स्ड टू गिव लाहौर टू पाकिस्तान. ये उसके अपने वर्ड्स हैं, बट यू मस्ट बी नोइंग बेटर कि गल्फ का चक्कर एंड ऑल दैट. हाँ कौल साहब, मैं आपको एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये जो इन्होंने बिल पास किया, स्टेटमेंट पास किया, ये मोदी करवा के लाया था कि हमने, और उसने तभी पीओ के गिलगित पार्टीशन को यहाँ लेने की बात की. और मेरे पास इसका मैं लिखा होता, अपने वीडियोज में भी किया हुआ है. तो ये मैं बताऊंगा आपको कब हुआ, अगर आप चेक करें तो आपको शायद नेट में ही मिल जाए कि आप ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने ऐसा पास किया है, देखिए आपको मिल जाएगा. तो वो मोदी ने करा के लाया था क्योंकि हमारी एक इंटेंशन थी. लेकिन दूसरी मैं बात बताऊंगी, बात अगर हम आज पीओ के बात करने लगे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, और yes. आप सोच सकते हैं कि अब इंडिया का वही रास्ता आएगा. देखिए तभी क्या था कि यूएई अभी तक चुप बैठा था, जैसे ही लगा यूएई को कि ब्रिटिश जो यूएस का जो, आप लोग ये चीज नहीं देखते, हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं छोटी छोटी बात को, कि यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया में आ रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान से कहा हमारा 1 बिलियन का पैसा वापस कर दो. पाकिस्तान ने एक पीस प्लान दिया है, मैं शायद उसको अभी जो नया अपना जो चैनल खोला उसके ऊपर उसको रिलीज करूंगा, तो आप सुनिएगा कि उसके अंदर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. तो बेसिक क्या है कि इस टाइम पे इंडिया फिर स्ट्रांग होने जा रहा है. वी वर गेटिंग वीक, लेकिन हमको पूरा जो अमेरिका हेल्प कर रहा है, यानी कि अमेरिका, जापान हमारे साथ लगा हुआ है, वो हमको, ऑस्ट्रेलिया साथ लगा है, साथ में अमेरिका साथ लगा है इंडिया को के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारी कोविड की इंडस्ट्री में और बाकी चीजों में चाइना को काउंटर करने के लिए. सो हमें जो वीकनेस चल रही थी, हमारे पास जो थ्रेट चल रहा था हमारी कंट्री को, वो हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया है. और हम इस टाइम पे चाइना पाकिस्तान को दोबारा से काउंटर करेंगे, दोबारा से वो चीज करते हैं. इंडिया को कोई इरिटेट नहीं कर सकता है. इंडिया इज अ फार्मास्यूटिकल जायंट, दुनिया को दवाइयों की जरूरत है. यू नो, यूएन एंड अमेरिका हैव नॉट फॉरगॉटन. अफ्रीका में जो लोग बचे आफ्टर एड्स, इट वाज बिकॉज ऑफ इंडियन मेडिसिन. इंडियन मेडिसिन $100 में एज का पहले $10,000 लगते थे अमेरिकन ड्रग्स को, फाइजर के जो एंटीवायरल ड्रग्स थे. इंडिया सेव्ड अ कॉन्टिनेंट. हम इसके बारे में तो white people know this, that African population was saved by Indian medicine. Cipla Vipla की medicine जाती है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन कौल साहब, middle class nobody can touch India. कौल साहब, लेकिन बात मानिए आपकी, आप कुछ चीजें नहीं समझते. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास अमेरिकन आते थे, CIA के लोग आते थे, हमारी आपस में बातचीत हुआ करती थी. हम उनके बगैर नहीं चल सकते क्योंकि अमेरिका इसे बिग, आपको ऐसे सुपर पावर नहीं है, किसी पे सैंक्शन लगा दी, किसी कुछ कर दिया. अगर वो अगेंस्ट चली जाती, जैसे वो इजराइल के अगेंस्ट चली गई, इजराइल फिर भी एडमेंट है क्योंकि उनकी एक वहां पे लॉबी है यूएसए के अंदर, जिसपे उन्होंने यूएस के अंदर वो पास नहीं करने दिया. लेकिन उन्होंने जैसे सऊदी पे अटैक किया, जैसे यूएई पे अटैक किया, ये लोग चुप हो गए. उसके बाद लेकिन क्या है कि अब जैसे इंडिया सामने आ रहा है, इंडिया की इंपॉर्टेंस बनती जा रही है क्वाड की वजह से, फिर उनके डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, जैसे फिर क्योंकि सबकी अपनी इंटेलिजेंस है, सबको खबर मिलती रहती है क्या चल रहा है. और ये जिस तरीके से इंडिया की पोजीशन चलती जा रही है, तभी यूएई ने पाकिस्तान से कहा हमारा $1 बिलियन और वापस करो, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है. पाकिस्तान खतरे में पड़ा हुआ है. और आपको मैं और बता दूं, इंडिया का जो रुतबा है ना सर, वी मे बी थर्ड वर्ल्ड और डेवलप्ड, बट वी हैव फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडियन आर्मी बोलो, फार्मास्यूटिकल्स बोलो, आपका मिडिल क्लास बोलो, इंडिया हैज इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट हैज पुअर पीपल. 1/3 ऑफ पीपल आर वेरी रिच. आपकी जो इंडिया में लोगों के पास जो बैंकों में 5-6 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपया होते हैं, गोरू के पास 1000 पाउंड नहीं होते हैं सर. एवरेज गोरे के पास आपको मालूम है, मंथ टू मंथ चलते हैं, वो जीरो बैलेंस होता है. इंडिया, लेकिन उनके पास इंडिया के पास ये है ना कि सिक्योरिटी होती है. नहीं, आप देखिए देखिए कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके पास पैसा होगा लेकिन बनियान फटी हुई होगी, चाहे आप गुजरात के ले लो चाहे बनियान ले लो। तो वो तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आपकी मैं लेकिन एक बात बताता हूँ कि क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे यूएस उसको धमकी देगा, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और बिडेन के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि बिडेन इज टू ओल्ड, सारे काम कर रही थी कमला हैरिस इज टोटली इमेच्योर ना, उसको इंटरनेशनल अफेयर्स में पता है। अभी यूएस की कांग्रेस की हियरिंग चल रही है, वहां पे उनको उनके बुलाया गया, जो एशिया पैसिफिक का जो कमांडर है उसको बुलाया गया, उसने कहा कि आपको क्वाड में करना पड़ेगा। और वहां पे 50 जो रिपब्लिकन्स हैं 50 डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने जब उसकी बात सुनी तो उसको पास किया। इसलिए जो बिडेन जो है वो उसने कहा क्वाड की जरूरत है, और क्वाड के अंदर वो अभी चाइना को थ्रेट नहीं कर रहा। यहाँ पे अभी क्वाड हो रहा है, मैं इसका भी वीडियो बना ही रहा था, आजकल में बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसमें क्या है कि हमारे क्वाड की एक मीटिंग हो रही है 12 मार्च को, उसके साथ साथ जो है ना इनके फ्रेंच के नेवल शिप्स, आपके यूके के नेवल शिप्स, यूके का जो एलिजाबेथ है उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो आ रहा है, जर्मनी के शिप आ रहे हैं, तो साथ में एक दो कंट्रीज के और शिप्स आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे एक्सरसाइजेस करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और जापान इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे जापान है अमेरिका, ये दे आर रिच कंट्री, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया 70 इंडिया ने कहा मैं 70 करोड़ वैक्सीन बनाऊंगा एक साल में, चाइना कहता है मैं 48 करोड़ वर्ल्ड को दूंगा, इंडिया कहता है मैं 70 करोड़ दूंगा। तो एक रेस चल रही है वर्ल्ड के अंदर, आगे पीछे सब चलती है। तो ये चीजें आकर के इंडिया को बड़ी अच्छी पिक्चर में शो करती है। इससे क्या होता है कि एक वर्ल्ड का ट्रेंड चेंज होता है। जब आपको अमेरिका थोड़ी सी लात मारता है तो आपको सारा जो वर्ल्ड है ना आपके खिलाफ हो जाता है, लेकिन अमेरिका ने अगर इंडिया के कंधे पे हाथ रखा, और ये उनकी मजबूरी है या हमने उनको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है कि वी आर इंपॉर्टेंट, इसीलिए आ रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं काम, तो सारा वर्ल्ड इंडिया के साथ चलेगा। तो जो सबसे बड़े गुंडे जो मैं कंज्यूमर की बात करता हूं 30 सेकंड्स, डू यू नो द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड कौन है? गोल्ड इंडिया। इंडिया की जो गोल्ड प्राइसेस वर्ल्ड के होते हैं हु डिटरमिन्स? इंडियंस। तो वर्ल्ड पीपल नो इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया के 1/3 लोग पीपल आर सुपर रिच। गोल्ड का 70% पूरा इंडिया खरीदता है। जो वन शुड इंडियंस की जो इमेज आपस में लगती है हम गरीब हैं, गोरू में नहीं है। दे नो दीज फैक्ट्स। 300 मिलियन आपके लोग दे कैन परचेज यूरोप। तो इनके पास जो मैं कह रहा हूँ कि बैंक की एवरेज बैंक की यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होता है सर, 15-20 पाउंड होते हैं। So India is I know. Many Indians don't know. Uday waiting for a long time to say something. Sir. Anyway, संजय जी उपाध्याय जी आपका भी स्वागत है। We will come back to you. मैं कुछ बड़ा कंट्रोवर्शियल बातें कहने वाला हूँ, और मैं ऐसी बात कहने वाला हूँ कि आप लोग इट विल बी अ फूड फॉर थॉट आफ्टर अवर मीटिंग, एंड आप लोग सोचेंगे इसके बारे। मैं एक चीज बताऊं, नॉट मेनी पीपल हैव रियलाइज द ग्रेट लिंक बिटवीन ममता एंड मोदी जी। लिंक यस, बहुत जबरदस्त कॉन्टैक्ट है इन लोगों का। और कल अगर सपोज कुछ इंडिया में कुछ बहुत एक पॉलिटिकल अपीवल होगी या कुछ होगा, I'll tell you, she'll be the first person to support BJP. I'm telling you, because both of them, उनके common enemy उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने common enemy that is leftist and Congress, and she's very bitter about Congress. आपको ये नहीं पता कि सोनिया गांधी ने उसको कितना humiliate किया था, उसको threaten किया था, और उसने खुलेआम आके बोला था कि you know look, till she doesn't get wiped out from India, I'm not going to rest. I'm telling you. वेरी बिटर। अच्छा, अगर आप देखें भी जो सिचुएशन इंडिया में पिछले 4-5 साल में हुआ है, आई एम टेलिंग यू इफ कांग्रेस हैज बीन नॉक्ड आउट, इट इज शी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। वो अपोजिशन में नहीं आने दिया, अपोजिशन लीडर नहीं बनने दिया इसने। सो देयर पॉलिटिक्स बड़ी सर जालिम चीज है। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई एम सो श्योर ऑफ अ लिंक बिटवीन दीज टू because of the political compulsions. I'm using the word political compulsion. ठीक है, आप बंगाल के लिए लड़ रहे हो, लड़ो, चलो ठीक है, आप हमें गाली दोगे, but have you ever seen, you know, like she comes out with weird statements, but Modi ji has never ever singled her out, you know, and never criticized her for her कोई तुम इस पे क्यों बिगड़ती हो अपना ये जय सिया राम के ऊपर को ऐसा कभी नहीं कुछ बोलेंगे। एंड शी इज अ बिग एलाई ऑफ इट इन सीक्रेसी। आज नहीं तो कल देखना शी विल बी अ बिग सपोर्ट। दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट इफ यू सी, इफ यू ऑब्जर्व व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट, यू विल एग्री विद मी। I can believe you because it is very difficult to have an enemy of a Gujarati. Gujarati से देखिए बेसिक नहीं, एक और मैं एक बात कहूँ मैं, बेसिकली ये बात ठीक है तुम्हारी कि दोनों के एनिमीज एक हिसाब से सेम है कि, लेकिन मोदी जी तो किसी को अपना एनिमी समझते नहीं, वो बात दूसरी है कि उसका जो फर्स्ट एनिमी है वो एक्चुअली अपना ये क्या कहते हैं तुम्हारी कम्युनिस्ट है, दूसरा उनके कांग्रेस है। और मोदी का कम्युनिस्ट इसलिए नहीं है कि कम्युनिस्टों की यहाँ पे से नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और ठीक है आप अंदर मोदी जी ने किसको क्रिटिसाइज किया मुझे बताओ, मोदी ने किसको क्रिटिसाइज किया? क्या आज अखिलेश यादव को किया, क्या बाकी किसी को किया? लेकिन ये लोग बैठे बैठे जो है ना, कुछ हमारे भी क्या होता है कि जब बाबू बैठते हैं ना, वो एक मिनट में गवर्नमेंट गिरा लेते हैं, लेते हैं। बेसिक क्या है कि इनका उस एंगल से कम। हाँ, मोदी जी ने इनको किसी ना किसी तरीके से खींच करके ले गए थे बांग्लादेश भी, क्योंकि बांग्लादेश में इनके इंटरेस्ट भी थे अपने। शी ऑल्सो वॉन्टेड, क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ बैठे हुए। और लेकिन जहां तक दूसरी बात कहें, इनका कहीं पे भी बाकी जो अभी भी मोदी जी तो बड़ी इज्जत से बात करते हैं, लेकिन अगर मोदी जी की रैली में वह जय श्री राम हो जाए तो ममता भाग जाती है। तो बेसिक क्या है कि एक, अब देखिए मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी थे जब नरसिम्हा राव थे यहाँ के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पूछा हमारे पास कितने दिन का फॉरेन रिजर्व है, उन्होंने कहा 9 दिन का फॉरेन रिजर्व। तो उन्होंने क्या करें, उनका मुझे टाइम दो। नरसिम्हा राव सोचते जा रहे थे, एकदम काम नहीं करते थे, तो नेक्स्ट डे उन्होंने बुला लिया मनमोहन सिंह, कहता है हम इसको जो है ना नेचुरली को बिल पास करना होगा या कुछ करना होगा, कहते हैं हम इसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अपने रुपये को जो है 20% गिरा दें। तो मनमोहन सिंह ने कहा इस पर तो राइट्स हो जाएंगे, सब झगड़ा हो जाएगा। कहता कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ कि नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, कहता हमारी कंट्री की ये कंडीशन है, आप क्या बोलते हैं, हमें ये रिड्यूस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई शोर नहीं होने दिया। जब राजीव गांधी मुश्किल में था, उसको थोड़ी दिक्कत हुई, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया कि आप जो है ना, आप इलाज करने के लिए यूएसए में जा रहे हैं, आप यूएस के सेनेट के अंदर या यूएन के अंदर जाकर के आप इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, वहां स्टेटमेंट दीजिए। तब जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शायद हिंदी में स्टेटमेंट दी थी, और इंडिया का अपोजिशन लीडर वहां जाके बोला तो एक स्टेटमेंट दी है। तो एक ये कुछ अपने रीजन है, कुछ कंपल्शन है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को जब जरूरत पड़ती थी इंदिरा गांधी उनको बुलाती थी। लेकिन ये नहीं है कि आपका दुश्मन सेम है या कुछ है तो आप उसको पावर हाथ कर देंगे, आपके साथ जुड़ जाएगा। पहली बात तो बीजेपी को जरूरत नहीं है किसी पार्टी की, और दूसरी बात है ममता अगर सांप नहीं है तो बिच्छू तो है ना, बिच्छू तो है। और बेसिक क्या है, उसका अपना एजेंडा, उसका एजेंडा है। तो ये क्या है कि आपके एनिमी सेम होने से आप दोस्त नहीं हो जाते, आपके सेम जो दो भाई होने से आप किसी एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो सकते हो, खून आपका एक जैसा भी हो सकता है, वो एक अलग इश्यूज है। बट अगर यूनिटी होती तो, अगर यूनिटी होती, मोदी जी कहते हैं ममता जी आप यहाँ बैठो, हम दिल्ली बैठे हैं, आप हमारे साथ इसमें ज्वाइन कर लो पार्टी के अंदर। तो ये जो है ना किसी की अपनी अच्छी, मैं नहीं कहता अच्छी असेसमेंट है जो कुछ भी है, बट इसमें बात करेंगे। सुमित आप आइए, बिकॉज आई थिंक यू शुड ऑल्सो से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वेस्ट बंगाल इलेक्शन। संजय जी भी बैठे हुए हैं हमारे सर। हाँ, उनको बुलाता हूँ पहले, इनके सुमित जी वेस्ट बंगाल के ना, इनको जरा इसलिए पहले से भी आए हुए हैं। आप बोलिए, उसके बाद संजय जी से बात करेंगे। सर बंगाल का तो मैं भी हूँ सर, सारी सिनेमा मैंने बंगाली सीखी है और मैंने बंगाली फिल्में बनाई हैं व्हिच हैव बीन वेरी बिग, वेरी सक्सेसफुल। बट एनीवे दे आर अ वेरी इंटरेस्टिंग। उधर बेसिकली वो मत बताओ, तुम यहाँ भी चले जाते हो, वहां भी चले जाते हो, तुम आकर के दिल्ली भी चले जाते हो, कन्नड़ भी चले जाते हो, तुम उड़ीसा भी चले जाते हो, मुंबई भी चले जाते हो। भाई सब जगह अपना पैर मत फैलाओ, किसी को दूसरी जगह भी रहने दो। हाँ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।